ग्राहक जो है छोटा छोटा तरबूज खोजते हैं, देखिए छोटा तरबूज में क्या होता है, लाल नहीं निकलता है जिसमें नुकसान चला जाता है हम लोग का। तो दो दिन का लगातार सब्जी बेचने के बाद दोस्तों हम लोग को जो हेलो दोस्तों नमस्कार, मैं विकास सब्जी वाला आप सभी का स्वागत करता हूँ एक और न्यू ब्लॉग में। दोस्तों सुबह हो चुकी है, आ गई, गुड मॉर्निंग बोलो, गुड मॉर्निंग बोलो, गुड मॉर्निंग बोलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों आप सभी का, आप सभी का दिन कुशल मंगल स्वस्थ हो। दोस्तों देखिए छठ पूजा है दोस्तों, इसलिए लिपाई भी हो रहा है और माँ आज लिपाई पुताई करेंगे, उसके बाद आएंगे बाजार का माँ, तो माँ का आज थोड़ा लेट होगा दोस्तों। चलिए हम लोग फटाफट बाजार चलते हैं और आज देखते हैं बाजार में हम लोग का दिन कैसा रहता है, कितना सब्जी खरीद पाते हैं और बेचने पर कितना प्रॉफिट होता है। कपा पा आइएगा, और ये देखिए चाची भी लिपाई कर रहे हैं। चलिए फटाफट हम चलते हैं बाजार की ओर। चलिए चाचा, चाचा भी लगता है आज स्कूटी में जाएंगे दोस्तों। चलिए हम लोग भी चलते हैं, अपना बाइक निकालेंगे रोड। दोस्तों बाजार पहुंच गए हैं, फटाफट अभी झाड़ू लगा रहे हैं, उसके बाद हम लोग को दुकान लगाना है दोस्तों, दुकान लगा लेंगे और देखिए आज क्या क्या खरीद पाते हैं। चलिए फटाफट झाड़ू लगा लेते हैं। दोस्तों हम लोग अपना दुकान लगा लिए हैं और आप देख सकते हैं खीरा है, करेला है, भिंडी कल का है, 58 ले लिए थे दोस्तों, 60 बेच रहे थे लेकिन नहीं बिका। 58 लिए थे दोस्तों भिंडी, लेकिन 60 बेच रहे थे लेकिन नहीं बिका। और देखिए टमाटर भी 9 रुपये लिए थे और 12 रुपये बेच रहे थे सवा किलो, 15 लेकिन नहीं बिका। कब पापा? तो भाई बोला पोच का टमाटर नहीं लेना है दोस्तों हम लोग, और भिंडी भी नहीं लेना है। और पहली बार देखिए दोस्तों हम लोग इतना तरबूज ले लिए हैं, 2 बोरा ले लिए हैं। कब पापा? और एक तरबूज 3 किलो 3.5 किलो का हो जाता है दोस्तों, तो कस्टमर लेते नहीं है, छोटा छोटा खोजते हैं। तो देखिए छोटा छोटा भी है, 1.5 किलो साइज, 2 किलो साइज का भी है तरबूज, देखिए छोटा छोटा, और 3 किलो 4 किलो साइज का भी तरबूज है। तो देखते हैं पहली बार हम लोग इतना तरबूज बेच पाते हैं कि नहीं। आप देख सकते हैं तरबूज दोस्तों इतना बड़ा बड़ा उठा ले सकते हैं, देखिए देख लीजिए दोस्तों, 3 किलो 3.5 किलो होगा ना पापा, कितना किलो होगा? 3.5 किलो 3.5 किलो हो जाएगा दोस्तों, 3.5 किलो तक हो जाएगा तरबूज, देखिए इतना बड़ा बड़ा है। तो 20 रुपये किलो बेचना है दोस्तों, 16 रुपये लिए हैं, देख सकते हैं एक बोरा उधर है और एक बोरा इधर में भी है। देखते हैं तरबूज बेच पाते हैं कि नहीं दोस्तों, इतना सारा पहली बार हम लोग लिए इतना ज़्यादा, तो पहले 15 किलो 30 किलो 50 किलो तक लेते लेते थे, लेकिन आज देखिए 2 बोरा ले लिए हैं और देखते हैं बेच पाते हैं कि नहीं, क्योंकि छठ भी है और रमजान भी शुरू हो गई है, तो रमजान में भी बिकना चाहिए। जब चले फटाफट और कुछ कुछ लेते हैं दोस्तों, अभी तो कुछ नहीं लिए, पोर्रा ले लिए नेनुआ, 30 रुपये किलो लिए ना भैया, भैया के पास लिए 30 रुपये किलो। आज देखते हैं पोरा भी बेचना है दोस्तों फटाफट, क्या किलो लिए? 2.5 किलो 2.5 किलो लेके चलते हैं दोस्तों, 2 किलो देख गया। चलिए हम लोग नेनुआ ले लिए 30 रुपये किलो। दोस्तों हम लोग अपना पोरा निकाल चुके हैं और इतना जो है थोड़ा सा खराब निकला, डैसा मारा हम लोग बहुत कपड़ा लग गया, 60 रुपये ले लिए हैं। चलिए फटाफट पैसा दे देंगे पूरा वाला भाई की, और छाड़ दिलाइए छाड़ दिलाई जैसे मारे लोगों ने हम लोग पैसा दे दिए हैं वाला भाई। चलिए फटाफट और कुछ लेते हैं और दुकान भरते हैं दोस्तों, सामान मिलते हैं दुकान में, बाजार में थोड़ा सा हल्ला होता है, जिसको मैनेज कीजिएगा दोस्तों प्लीज़। दोस्तों अभी 9 बज चुका है सुबह का और हम लोग सब्जी कुछ कुछ खरीदे हैं, करेला खरीदे हैं, खीरा खरीदे हैं और नींबू आज खरीदे हैं 6 रुपये पीस ना पापा, और माँ तो नहीं आए हैं क्योंकि अभी घर में साफ सफाई हो रहा हुआ और लिपा पोती भी हो रहा होगा कब, तो चलिए बेचना शुरू करते हैं। और आज जो हम लोग का कल और आज का मिला के जो है 2880 रुपये का पूंजी लगा चुके हैं दोस्तों, इसमें जो है 2 बोरा हम लोग तरबूज खरीदे हैं, अब देखते हैं बेच पाते कि नहीं आज का पापा, ठीक बड़ा बड़ा साइज इसलिए नहीं बिक रहा है दोस्तों, लेकिन बिक जाएगा हम लोग का आशा है। चलिए बेचना शुरू करते हैं। चाचा कुछ लीजिएगा, लीजिएगा कुछ लीजिए, करेला लीजिए, करेला लीजिए 40 रुपये किलो, 40 रुपये किलो करेला खाइए और बीमारी दूर कीजिए, दाम बीमारी के लड़ने का पावर आ जाएगा करेला खा के, दाम करेला खाइए, आइए आइए ताज़ा करेला में आइए, भिंडी 60 रुपये किलो, 60 रुपये किलो लीजिए भैया भिंडी, आइए आइए टमाटर लीजिए 10 रुपये किलो, 10 रुपये किलो, 10 रुपये किलो, टमाटर 10 रुपये किलो, भिंडी लीजिएगा भिंडी 60 रुपये किलो भैया भिंडी लीजिएगा, आइए 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 भिंडी 60 रुपये किलो, 60 रुपये किलो। तो दोस्तों हम लोग 58 रुपये लिए हैं भिंडी, 58 रुपीज पर के जी लिए हैं, यानी 58 रुपये किलो लिए हैं, 60 बेचना पड़ रहा है बिक रहा है, अचानक के जी हो गया बाजार तो नहीं पकड़ रहे हैं ग्राहक, करेला लगभग बिक जाएगा हम लोग का 40 रुपये बिक जाएगा भैया, लीजिएगा भिंडी 60 रुपये किलो, जामा 65 रुपये बिक रहा है भैया, लीजिए 60 रुपये किलो।
आइए आइए, टमाटर लीजिए 10 रुपए किलो, 10 रुपए किलो, 10 रुपए किलो। आजा भिंडी लीजिए 60 रुपए किलो, 60 रुपए किलो। भैया भिंडी लीजिएगा, 60 रुपए जमा रेट दे रहे हैं, कल दुकान नहीं खोलने का हम लोग का। अच्छा करेला दीजिए भैया, आइए आइए आइए, ताज़ा करेला लीजिए, करेला खाइए बीमारी दूर कीजिए। भिंडी लीजिए 60 रुपए किलो, 60 रुपए किलो, 60 रुपए किलो। 60 रुपए आज बेचना होगा माना है। भिंडी 58 का खरीदा है, खरीदे हैं दोस्तों, 60 में बेचना पड़ रहा है, क्या कीजिएगा, बासी हो गया इसीलिए। तो चलिए दोस्तों देखते हैं शाम तक में बेच के खत्म कर सकते हैं कि नहीं। आज तो 2880 रुपये का सब्जी खरीदे हैं कल और आज मिला के, और खास हम लोग जो तरबूज लिए हैं 2 बोरा, आज 100 केजी होगा। तो चलिए फटाफट बेचना शुरू करते हैं, शाम तक बेच के देखते हैं खत्म कर सकते हैं कि नहीं। दोस्तों देख सकते हैं शाम का 5 बज गया और हम लोग का तरबूज आधा बिका ना, हम 2 बोरा तरबूज लिए थे उसमें जो आधा बिका है और 1.5 बोरा बोल सकते रह गया है। कारण ये है कि बड़ा बड़ा साइज का ग्राहक का डिमांड है छोटा छोटा कम 1 किलो का, और 1 किलो का ज़्यादा लाल नहीं निकलता इसलिए नहीं लेते, क्योंकि देखिए दोस्तों छोटा छोटा तरबूज खोजते हैं, देखिए छोटा तरबूज में क्या होता है, लाल नहीं निकलता है जिसमें नुकसान चला जाता है हम लोग का। अब 1.5 किलो का तरबूज है 16 रुपये किलो खरीदे हैं, 1.5 किलो मतलब 30 रुपया का तरबूज है, कम 20 रुपये बेच रहे हैं, तो 30 रुपया का नुकसान हो गया दोस्तों। देख सकते हैं ग्राहक नहीं लिया, क्योंकि ग्राहक काट के देखा लाल नहीं है, तो लाल नहीं है तो हम लोग भी नहीं दे सकते हैं, कहीं भाई लाल नहीं है, तो इस तरह से छोटा तरबूज में हम लोग का नुकसान हो जाता है। और ग्राहक का डिमांड रहता है 1 केजी का, तो 1 किलो वाला हम लोग नहीं लेते हैं। 20 रुपये तरबूज 20 रुपये, तो इस तरह से नुकसान लगता है दोस्तों तरबूज। दोस्तों रात का 7 बज चुका है, हम लोग सारा सामान अपना भर लिए हैं कैरेट में देख सकते हैं, और तरबूज आज हम लोग का नहीं बिका, बड़ा बड़ा था इसीलिए कम 1 किलो साइज का खोज रहा था नहीं, और 1 किलो साइज वाला बहुत कच्चा कच्चा निकल जा रहा था दोस्तों सफेद सफेद, और चाचा को भी 2000 रुपया हम लोग का देना पड़ गया। कच्चा पाते हैं इन लोग के चाचा के पास सब्जी लेते हैं इसीलिए, करेला वरेला है ना, पटल करेला पटल का जगह। एक फायदा है दोस्तों हम लोग का मंडी में कि नगद पैसा नहीं देना पड़ता है, बेच के आप शाम में आराम से दीजिए, अगर बिका है तो नहीं बिका है तो आप नेक्स्ट डे भी दे सकते हैं। चलिए चाचा जाइए, वो अपना कनेक्शन कीजिए, चलिए माँ फटाफट बढ़ाइए ना। और चलिए दोस्तों फटाफट हम लोग घर में मिलते हैं, देखते हैं आज हम लोग का कैसा रहा है बाजार, कितना प्रॉफिट हुआ है सारा कुछ बताएंगे दोस्तों, ब्लॉग में बने रहिएगा। और देखिए इधर भी तरबूज पूरा रखा हुआ है कैरेट में, अभी ढो के सब ले जाना पड़ेगा। दोस्तों हम लोग घर पहुँच चुके हैं, और सबसे पहले पैर हाथ धो लेते हैं दोस्तों, उसके बाद हम लोग पैसा गिनेंगे दोस्तों क्या हम लोग का कितना हुआ है। दोस्तों हम लोग पैर हाथ धो लिए थे और माँ गए थे ढाकना पूजा, छठ का ढाकना पूजा, चैती छठ का ढाकना पूजा है, तो माँ गए थे प्रसादी खाने के लिए काम, और प्रसादी खा के आके दोस्तों देखिए दोनों और बचा हुआ है सुबह में खाएंगे, और माँ देखिए पैसा गिनना शुरू कर दिए हैं। देखिए दोस्तों आज हम लोग जो 1280 रुपया लगाए हैं दोस्तों, तो चलिए देखते हैं आज कितना कितना फायदा हुआ है दोस्तों हम लोग का, तो हमें गिन रहे दोस्तों पैसा, माँ भी गिन रहे हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 यहाँ पर है। तो दोस्तों कल और आज मिला का आज 2880 रुपया हम लोग सब्जी खरीदे थे, उसमें से 2 बोरा हम लोग का तरबूज था, उसमें से आधा बोरा बिका है काम, 1.5 बोरा ऐसा बच गया क्योंकि बड़ा बड़ा है दोस्तों 3 किलो साइज का है ना, 3 किलो 2.5 किलो, तो उतना बड़ा बड़ा ग्राहक हम लोग के पास नहीं लेते हैं,
पूछते हैं रेट सिर्फ दूसरा दुकान बड़ा दुकान में जाके लेते हैं तब हम लोग के पास रेट ठीक पूछेंगे, लेकिन जब लेने का पारी आता है तो जाके बड़ा दुकान में लेता है ना जितना आदमी बड़ा दुकान में जाके 70 रुपए की ठीक ग्राहक भिंडी खरीदते हैं, लेकिन हम लोग के पास नहीं खरीदते हैं तो हम लोग 58 रुपए भिंडी लिए थे और 60 रुपए बेच दिए था हम, और 14 रुपए किलो 15 रुपए किलो खीरा लिए थे दोस्तों, 20-20 बेचे और नहीं बिकने लगा तभी 15 ही रुपए किलो बेच दे, क्योंकि अगल बगल में जो छाट छाट टाट टाट खीरा रहता है हम लोग 10 रुपए किलो बेचते है काम, छाट छाट जो खीरा रहता है लोग बगल 10 रुपए किलो खीरा नहीं लगता है का, तो इसीलिए हम लोग को भी 15 रुपए किलो बेच खीरा बेच देना पड़ा 14 लेके कम, 15 भी आज खीरा लेते हैं 15 रुपए बेच दिए लास्ट में, 1-2 किलो 5-6 किलो 20 रुपए बेचे थे ना, और टमाटर 9 और 11 खरीदे थे 15 कुछ बेचे, उसके बाद 1.25 किलो 15 उसके बाद लास्ट में 10 रुपए बेचे खत्म करना पड़ा आज दोस्तों, कल का टमाटर था आज तो टमाटर लेने नहीं किए थे कम, तो 2 दिन का लगातार सब्जी बेचने के बाद दोस्तों हम लोग को जो 3260 रुपए का बेचे यानी कि लगभग आप बोल सकते हैं कि 350 से 400 रुपए हम लोग का फायदा हुआ है, और अभी तरबूज बचा हुआ है कम, तरबूज 16 रुपए लिए है दोस्तों और बेचना पड़ता है 20 रुपए, तो उसमें जो है कितना 100 ग्राम का पैसा ग्राहक नहीं देता है कम, और काट के देखते हैं लाल निकला तो सही ठीक बात है और लाल नहीं निकला तो कितना पड़ जाएगा कम, वही हम लोग घाटा लगे था आज तो क्या दो सफेद निकल गया ना, तीन ठो सफेद निकल गया दोस्तों, एक तो घर हम लोग लेते लाए हैं और 2 को 10-10 रुपया में दे दिए, जाइए कि चीनी लटका के खाइएगा बोल के का, तो इस तरह से बाजार में होता है दोस्तों, तो चलिए कोई बात नहीं फिर भी 2 दिन लगातार बेचने के बाद हम लोग को जो 350 फायदा हुआ है कम, तो माँ प्रसादी हम लोग खा लिए ढकना पूजा का दोस्तों, आप लोग भी आशा करता प्रसादी खाए होंगे ढकना पूजा का छठ पूजा का कम, तो चलिए अब फिलहाल आज के ब्लॉग हम लोग यहीं तक रखते हैं और आशा करता हूँ आज का ब्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा होगा दोस्तों, प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा दोस्तों, और अगर आप चैनल पर नए हैं दोस्तों प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।